सबसे बड़ा दंगल जारी है जी हां। 20 राज्यों में 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 11 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर करीब 25% मतदान हो चुका है, जबकि बिहार में 29% मतदान हो चुका है। नक्सल प्रभावित बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में बस्तर में भी मतदान हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। ये आंकड़े आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं, 11 बजे तक किस किस सीट पर कितना मतदान हुआ है। 63% मतदान हुआ था जहां मेरठ सीट पर, वहां 2014 में, वहां 11 बजे तक 22% मतदान हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह लाइनें लगी हैं, लोग नाच रहे हैं, वोटिंग हो रही है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं सतीश प्रकाश जी, बीएसपी समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी हैं, आरएसएस के विचारक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी हैं। और उधर देखिए, उधर हंदवाड़ा में बारामूला सीट पर मतदान हो रहा है, वहां रिफत के साथ सज्जाद लोन साहब है। रिफत जी, जी किशोर, सज्जाद गनी लोन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनके भी कैंडिडेट मैदान में हैं, इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। सज्जाद साहब, चूंकि आपने अभी वोट डाला, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और किस लिए ये वोट लोग डाल रहे हैं, क्या आप उन्हें कहेंगे, आप किस तरीके से उनकी नुमाइंदगी करेंगे? ये वाला आज का मुझे जो लग रहा है इलेक्शन, जिस टाइप से सेट हुआ है, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, ये आप लिख लें, उनका वोट लॉस मैसिव हो जाएगा। जो निवर पार्टीज हैं, जैसे हमारे पिछले 4-5 साल में हमारा ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल मेक इट दिस टाइम। बट ओवरऑल, अपार्ट फ्रॉम जीते कौन हारे कौन, इंशाल्लाह जीतेंगे हम, लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा कि ट्रेडिशनल पार्टीज का वोट लॉस बहुत होगा, विच मीन्स कि ये स्टार्ट होगा ये वाला इलेक्शन फॉर निवर फेसेस, जो ट्राई टेस्टेड फेसेस हैं या पार्टीज हैं पिछले 20-30 साल की, नई पार्टीज, नए लोग, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पॉलिटिक्स में। कैंपेनिंग में आपने खूब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की नुक्ताचीनी की, आपने ये कहा कि उन्होंने आज तक, जिस तरीके से परसों नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कुछ खानदान मलाई खा गए, क्या आप उन मलाई खाने वालों में से हैं या वो लोग जिनकी आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं? मेरे बाप ने 8-10 साल जेल में निकाले, भाई ने 2 साल निकाले, मैंने भी इंट्रोगेशन खूब खाया। जब ये मलाई खा रहे थे हम तो जेल में बैठे थे, जब मलाई खा रहे थे हम जेल में थे, ये मारने वालों में से थे, हम मार खाने वालों में से थे। तो अभी जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को खत्म करना है, आपने हर कैंपेन में यही कहा कि नया बदलाव चाहिए, यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? नहीं, चेंज ओवरऑल आएगी, आई कांट क्वांटिफाई चेंज इन वन सेंटेंस, बट इट इज कि जो इनकी एक पॉलिटिक्स है विच इज हाई ऑन रेटरिक एंड लो ऑन डिलीवरी, वी वॉन्ट इट, whatever we say we should be able to do it in deeds also. उन्होंने भी आप पे बहुत इल्जाम लगाए कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप उनको कैसे जवाब देंगे, क्योंकि आप पोलिंग इस वक्त जारी है? नहीं, मैंने तो उनको बता दिया, वो तो लोग अब तय करेंगे, उन्होंने बोल दिया, बल्कि हमने तो एक जवाब मांगा था उमर अब्दुल्ला साहब से, हमने बोला है कि ये टॉप रॉस ऑफ बीजेपी को 2014 के इलेक्शन के बाद मिले हुकूमत बनाने के लिए, हमने सारा बोल दिया उनको, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो आपने ये कहा था कि न सिर्फ पीडीपी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दावा पेश करने जा रही थी सरकार बनाने के लिए। और 3-3 साल का था, 3 साल जम्मू का चीफ मिनिस्टर, 3 साल श्रीनगर का, ये तो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन अच्छी तरह से मजल किया गया उसको, अब तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ उसके बारे में। सज्जाद साहब, वोटर टर्न आउट जो है समझा जा रहा है कि बढ़ जाएगा इस बार, क्या आपको भी लग रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें काफी जगहों पर, कुछ जगहों को छोड़ के जैसे पटन के एरियाज हैं वहां पे कम परसेंटेज है, या हजन में कम परसेंटेज देखी जा रही है, बाकी अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें जहां पे ये आपका खास तौर से असर है, तो यहां पे आप किस नजर से इसको देख रहे हैं? मुझे लगता है यहां तो पार्टिसिपेशन हमेशा अच्छी रही है, यहां के लीडर भी बहुत रिस्पॉन्सिव रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस, तो लेकिन मैं बाकी जगह का फिगर सभी देख रहा था, उसमें शायद इंशाल्लाह जब वहाँ काम होगा, बाकी चीजें होंगी, तो वहाँ भी बढ़ जाए। मेरा आखिरी सवाल, आपके कैंडिडेट अगर जीत के आते हैं तो पार्लियामेंट में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पे आप बात करेंगे? नहीं, एक तो डेवलपमेंट होगा और कश्मीर इशू भी होगा, जितना भी ये जो ये बिकॉज देखिए, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 50 साल से तो यही रूल कर रहे हैं, ये जो दावे आज कर रहे हैं कि हम वो चेंज करेंगे, हम ये चेंज करेंगे, इनके पास तो 50 साल थे चेंज करने के लिए, उसमें तो उन्हें चेंज किया नहीं है। बट आवर मैन विल बी एम्बेसडर ऑफ कश्मीरीज इन दिल्ली, ही विल नॉट बी अ दिल्ली बॉय और अ दिल्ली गर्ल पैराशूटेड इन कश्मीर, दिस आई प्रॉमिस। इमरान खान ने यह कहा कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से आते हैं तो उससे यहाँ के मसले हल हो सकते हैं, खासतौर से जो भी डायलॉग की बात है वो फिर से शुरू हो सकती है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या कमेंट करूँगी, तो वो जानते होंगे उन्होंने क्या बोला।